नमस्कार एमबीसी के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। चलिए बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर रणवीर सिंह की जोड़ी को बी टाउन का सबसे खूबसूरत कपल माना जाता है। जल्द ही यह कपल रोहित शेट्टी के अपकमिंग प्रोजेक्ट सर्कस में नजर आने वाला है, जहां रोहित ने दीपिका के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर वह रोने लगी। वहीं रणबीर ने दीपिका को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि डायरेक्टर रोहित शेट्टी के अपकमिंग प्रोजेक्ट सर्कस के प्रमोशन के दौरान रोहित ने यह बताया कि उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट लेडी सिंघम में दीपिका नजर आएंगी और उनकी शूटिंग वे अगले साल से शुरू करेंगे। रोहित ने दीपिका को फिल्म के अनाउंसमेंट करके सरप्राइज कर दिया। वहीं दीपिका रोहित को देख रोने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। हर बार एक ही सवाल पूछा जाता है मुझसे कि लेडी सिंघम कब आएगी, लेडी सिंघम कब आएगी। तो सिंघम अगेन में लेडी सिंघम आएगी। बिलियन डॉलर सवाल हो गया यार, उससे भी ज्यादा। Thank you so much for asking that. You heard it here first. She's my lady cop from the cop universe. Wow. And yeah. वहीं इस इवेंट के दौरान रणबीर ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें भी शेयर की। लोगों ने रणबीर से मस्ती करते हुए पूछा कि घर जाने के बाद कौन किसको नचाता है, जिस पर रणबीर ने हंसते हुए कहा कि ना मेरी ऑफिस में चलती है और ना ही मेरी घर पर। रणबीर के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी की तरह फैल रहा है। मेरी ना ऑफिस में चलती है और ना ही घर पे चलती है। कुछ तो बताना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैडम, आप गेस कर लो। मैं बताऊं? बताओ। दीपिका और गाने में भी कमाल कर दिया। तो आपने देखा कि रोहित, दीपिका और रणबीर ने सर्कस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खूब मस्ती की, जहां रोहित ने अपनी अपकमिंग फिल्म लेडी सिंघम की अनाउंसमेंट की और बताया कि उनके प्रोजेक्ट में लीड रोल में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्द ही नजर आने वाली है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप्स और मूवी रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल एनबीसी हिंदी को तुरंत सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोज को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।